नमस्कार इंजीनियर्स, मेरे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आपका स्वागत है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सिखाया था विद डिटेल। लेसन 2 के पार्ट 3 में मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताऊंगा विद डिटेल। दोस्तों, वीडियो प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इन वीडियोस को फैलाएं प्लीज़ इंजीनियर्स। इन ड्राइंग्स की मदद से हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम का थर्ड टाइप है। तो इसमें हम सिंटेक्स इसकी सिंटेक्स होती है एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल। ध्यान से इसकी सिंटेक्स याद रखिए, एट द रेट डिस्टेंस लेस देन एंगल। और इसमें इसमें आपके चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये तो आपको नोन है। 0, 90, 180, 270 मीन्स 0 to 90 वन क्वाड्रेंट, 90 to 80 सेकेंड, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 0 फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से रखिए, इसमें लाइन हमारी किस क्वाड्रेंट में जा रही है, हम इसको देखेंगे ध्यान से। तो इस वीडियो को हम शुरू स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। ऑटोकैड की स्क्रीन पे हम आते हैं तो देखते हैं हमारा यूसी साइकिल मीन्स यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारा फिक्स नहीं, इसे हम फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हम टाइप करेंगे UCSICON एंटर, और नो ऑरिजिन के लिए एन एंटर। तो ये आपका फिक्स हो गया। अब देखिए, हम इस ड्राइंग नंबर ड्राइंग वन को ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग वन में देखते हैं, पहले ड्राइंग को रीड करेंगे। पहला पॉइंट हम एल फिक्स कर लेंगे अपना। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इसका एंगल ऑलरेडी गिवन है आपका 45, और डिस्टेंस है आपकी 100। 100 ही डिस्टेंस सभी लाइंस की है, ठीक है। तो मैं एल एंटर करता हूँ, और इसने जैसे ही मैंने एल एंटर किया, इसने कहा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम क्लिक करते हैं, और ऑर्थो मोड हमारे चाहे ऑन रहे या ऑफ है उससे कोई मैटर नहीं करता आपका। और इसकी सिंटेक्स की अकॉर्डिंग शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस है आपकी 100 लेस देन एंगल, और एंगल है आपका 45 डिग्री एंटर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी हमारी लाइन। ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लैंड करेगी, यानी 90 to 180 के बीच में हमारा एंगल आएगा। मीन्स 90 से ये बड़ा आएगा, और 180 से ही बढ़ाएगा। मीन्स 90 to 180 के बीच में हमारा एंगल आएगा। तो हम इसके लिए 45 40 90 है, तो इधर भी 90 आपका कट करते डिवाइड करते 45, तो ये एंगल हो जाएगा। उधर भी 90 plus 45 135, 90 एंड 45 135। तो शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस है आपकी 100 लेस देन एंगल है आपका 135 एंटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से एट द रेट डिस्टेंस, डिस्टेंस 100 है और एंगल आपका कितना आ जाएगा। अब देखिए ये लाइन हमारे कौन से क्वाड में लाई कर रही है, ये हमारे 180 to 270 के बीच में लाई कर रही है। मीन्स हमारा वन एंगल आपका 180 से बढ़ाएगा और 270 से थोड़ा कम ही आएगा। तो 180 में हम इसके अंदर 180 में हम 45 ऐड करेंगे। 180 प्लस 45 कितना होगा, 180 प्लस 45, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे हम। 180 प्लस 45 इक्वल 225, ठीक है दोस्तों। ऑटोकैड की स्क्रीन पे आते हैं हम। तो शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस है आपकी 100 और लेस देन एंगल है आपका 225, सिंटेक्स देख लिए एंटर। अब देखिए, अब हमें किस पॉइंट तक आना है, नेक्स्ट पॉइंट तक आना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस तो आपकी सेम रहेगी बट यहाँ पे एंगल आपका, और ये लाइन हमारी कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी।
तो 4 करोड़ मीन्स 272 276 जीरो के बीच में हमारा एंगल आएगा, तो 276 ग्रेटर आएगा, 270 में 45 ऐड करते हैं तो टोटल आएगा आपका 270 + 45 270 315। तो शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस से आपकी 100 सेम रहेगी, लेस देन एंगल 315, एंटर एस्केप, ये आपका ड्रॉ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ड्राइंग टू में देखते हैं, ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ है। तो ट्रायंगल का एंगल हम जानते हैं दो लाइनों के बीच का एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हम एल एंटर कर देंगे, क्लिक करेंगे, डिस्टेंस अभी कितनी रहेगी 100 और एंगल कितना होगा ये देखिए। अब देखिए लीनियर ही चल रही है, तो लीनियर चलेगी तो कहीं मुड़ रही नहीं है, और मुड़ेगी लाइन तभी तो एंगल बनाएगी। अब यहाँ पे जब मुड़ नहीं रही है तो एंगल आपका हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि उसी लाइन पे चलती जा रही है, तो 0 डिग्री आपका एंगल। तो डिस्टेंस आपकी 100 एट द रेट डिस्टेंस 100 लेस देन एंगल आपका 0 डिग्री, एंटर। फिर देखिए एट द रेट डिस्टेंस आपकी 100 लेस देन एंगल 120, एंटर। फिर शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस आपकी 100 लेस देन एंगल है आपका, अब देखिए यहाँ पे आपका एंगल आ जाएगा, लाइन हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 30 इधर आ जाएगा, ये 60 होगा, 180 + 60 240। देखिए दोस्तों, मैं बाकी ट्यूटर की तरह नहीं हूँ जो कि, ठीक है दोस्तों, तो इसका एंगल आपका हो जाएगा 240। एट द रेट डिस्टेंस 100 लेस देन एंगल 240, एंटर एंड देन एस्केप। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग टू भी आपकी ड्रॉ हो गई। अब हम ड्राइंग नंबर थर्ड पे आते हैं, थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइंग है, तो इसको ध्यान से प्लीज देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारी डिस्टेंस है 70 और एंगल इन दोनों के बीच का 120, बट एंगल हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से बेस लाइन से पॉइंट से, इधर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 डिग्री से, तो यहाँ से हम इधर करते हैं तो इसको तो कितना एंगल आएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस का सिंबल ड्रॉ करते हैं, तो 120 है तो एक क्वाड्रेंट हमारा 90 का होता है। ठीक दोस्तों, तो 120 माइनस 90 30 होगा, तो बचा 60, तो एंगल आपका आएगा 60 डिग्री। एल एंटर करूँगा, अब चाहे तो आप उसको एल एंटर, सबसे पहले ये एट द रेट डिस्टेंस आपकी 70 और लेस देन एंगल है आपका 0 डिग्री, एंटर। फिर एट द रेट डिस्टेंस है आपकी 70 लेस देन एंगल है आपका 60 डिग्री, एंटर। फिर देखिए एट द रेट डिस्टेंस है आपका 70 लेस देन एंगल है आपका, सॉरी ग्रेटर देन का सिंबल लग गया है, लेस देन एंगल। अब देखिए यहाँ पे 120 आ गया, तो मीन्स इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर प्लस का सिंबल ड्रॉ करेंगे डिवाइड होगा 60 60, तो बचा 30 90 + 30 120। ठीक है दोस्तों, तो एंगल आपका आ जाएगा 120 और एंटर। फिर ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 70 है, शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस रहेगी आपकी 70 लेस देन एंगल, सॉरी मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए हम इस केस में एस्केप करते हैं, गलती से हमने एंटर कर दिया था। अब फिर से मैं एल एंटर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट एट द रेट
देखिए यहाँ पे अगर हम गलती से हम कमांड से बाहर चले गए या फिर कुछ हो गया तो हम दोबारा एल एंटर करेंगे और जहाँ से हमने अंत किया था उस पॉइंट से हम जुड़ जाएंगे। ये होता है ट्रैकिंग पॉइंट आपका, ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। अब वहाँ से हम जुड़ गए, ठीक है। अब एयर शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस है आपकी 70 और लेस देन एंगल है आपका 0 डिग्री, सॉरी सॉरी, हम ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट चल रहे तो एंगल आपका 180, ध्यान से देखिएगा। ये शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस है आपकी 70, लेस देन एंगल रहेगा आपका 180 डिग्री, एंटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों 120 बाइसेक्ट करेंगे सेम वही चीज़ जो आपकी इधर आई थी, तो बचा इधर कितना 60, तो 180 प्लस 60 आपका आ जाएगा 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, ओ सॉरी 180 प्लस 6 हो गया 180 प्लस 60 240, तो शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस रहेगी आपकी 70 सेम और लेस देन एंगल आपका 240, एंटर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हमारी किस क्वार में लाई करी, फोर्थ क्वार में लाई करी, तो 270 में हम कितना ऐड करेंगे, 120 था 60 हो गया बचा 30, 270 प्लस 30 300, तो इसको हटा देते हैं अभी हम। शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस आपकी 70 लेस देन एंगल है आपका 300, एंटर। ये हो गया ड्रॉ, स्किप। देखिए ड्राइंग नंबर थर्ड भी आपकी ड्रॉ हुई दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे अगर बताइए कहीं भी आपको ड्राइंग ड्रॉ करने में कन्फ्यूजन आ रही है, या फिर कोई भी कमांड आपको रिमेंबर होने में या फिर कोई भी शॉर्ट की में आपको डिफिकल्टी आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, प्लीज़ बताइए, मैं आपको उसके बारे में सॉल्यूशन दूंगा। दोस्तों अब हम ड्राइंग नंबर फोर की तरफ चलते हैं। अब ड्राइंग फोर बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन सभी ड्राइंग्स में तो आपको सेम डिस्टेंस दी हुई थी, जैसे कि आपकी 70 डिस्टेंस थी, ये लाइन भी 70 की, 70 70, इसी सारी आर्म्स 70 की थी, इसकी भी सभी आर्म्स 100 की थी, इसकी भी 100 की थी। यहाँ पर डिफरेंट है, जैसे कि ये 100 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 120 है, सॉरी मीन्स 10 है। तो हम चलते हैं अभी अपने ड्राइंग पे। हम सबसे पहले बेस एल एंटर करेंगे, पहला पॉइंट क्लिक करेंगे, अब इधर देख रहे हैं 100। अब देखिए इस केस में चाहे ऑर्थो ऑफ हो या ऑन, उससे कोई मैटर नहीं करता हमारा, ठीक है दोस्तों। पहले हम शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस है आपका 100 और लेस देन एंगल है आपका 0 डिग्री, देखिए 0 डिग्री, एंटर, हो गया। अब आपका देखिए यहाँ पे ध्यान से 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ एंगल ऑलरेडी, तो शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस आपकी 20, एट द रेट डिस्टेंस है 20, लेस देन एंगल है 30 डिग्री, एंटर। थर्टी सिक्सटी 90 प्लस 60, दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल, तो ये आपका अगर 60 है तो ये भी आपका 60 होगा। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट का सिंबल ड्रा करते हैं प्लस का सिंबल, तो बाइसेक्ट करेगा तो 30 इधर आएगा, 30 इधर आएगा, मीन्स इधर बचेगा हमारा 60 और 90 प्लस 60 आपका हो जाएगा 150। दोस्तों आप समझ में, आपको अगर नहीं समझ तो मैं फिर से बताता हूँ। देखिए ये जो बाहर का एंग 60 हो रहा है एंगल आपका, इसकी इक्वल होगा, ठीक दोस्तों, ट्रायंगल के लॉ के हिसाब से। और यहाँ पे ये हमारा, इसको अगर प्लस का सिंबल ड्रॉ करेंगे तो ये 60 जो होगा बाइसेक्ट होगा, मीन्स 30 उस क्वाड्रेंट में जाएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में और 30 आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जब 30 आपके सॉरी 30 या 30 90 माइनस 30 बचाए 60, तो 60 आपका क्वार्ट में बचा नाइन थर्ड सेकेंड क्वार्ट में, और सेकेंड क्वार्ट में हमारी लाइन लाई कर रही है, तो 90 प्लस 60 150 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह सिमिलरली सभी सेम सभी लाइनें 30 150 30 150 30 150 ड्रॉ करते जाना है आपको, सॉरी
हम सिंटेक्स के अकॉर्डिंग काम, शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 20 और लेस देन एंगल है आपका 150, एंटर। ठीक है, अब फिर से वही सब चीज़ें, वही सेम वही केस, शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 20 और लेस देन एंगल आपका रहेगा 30, एंटर। फिर शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 20, लेस देन एंगल आपका रहेगा 150, एंटर। फिर शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस आपकी सेम 20 एंड लेस देन एंगल आपका रहेगा 150, ओ यहाँ पे गलती हुई थी, हमें शिफ्ट एंड 150 सेम एंगल हमने दो बार चल दिया था। शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस आपकी रहेगी 20 या लेस देन एंगल आपका रहेगा 30 डिग्री, एंटर। फिर शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस आपकी 20 लेस देन एंगल आपका रहेगा 150, एंटर। फिर शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस आपकी 20 लेस देन एंगल आपका रहेगा 30 डिग्री, एंटर। और डायग्राम में ड्राइंग में देखते हैं हम कितने हमारे, एक तो हमने ड्रा कर लिया था 1 2 3 4 5, मीन्स उसको ड्रा करके हमें 5 ड्रा करने, ये हमने ड्रा कर लिया इसको 1 2 3, थर्ड ड्रा कर रहे हैं अभी हम, ये वो 30 हो गया। फिर हमें शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस आपकी 20 लेस देन एंगल, ये बहुत ही लेंथी है इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे, 150, एंटर। तो शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस आपकी 20 लेस देन एंगल है आपका 30 डिग्री, एंटर। फिर शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 20 लेस देन एंगल है आपका 150, एंटर। अब देखिए उसको 1 2 3 4 और 5, इसको ड्रॉ करके मुझे 1 2 3 4 5 ड्रॉ करने हैं। ठीक, इसको 1 2 3 4 5, इसको ध्यान से काउंट कीजिए दोस्तों। शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 20 लेस देन एंगल है आपका 30 डिग्री, एंटर। फिर शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 20 लेस देन एंगल है आपका 150, एंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको ड्रॉ होगा, अब यहाँ से हमारी लाइन, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 100 है टोटल हमारी, ठीक है, ये 30 गिवन है और ये सॉरी ये 30 गिवन है, तो 30 माइनस 10 20 हो गया, 30 प्लस 20 50 हो गया, 100 माइनस 50 50 मीन्स ये डिस्टेंस है 50 और एंगल आपका आएगा 180 डिग्री। तो डिस्टेंस आपकी 50 हो गई और एंगल आपका 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। देखिए टोटल डिस्टेंस हमारी 100 है, ठीक है, और ये आपकी 30 गिवन है, ठीक, और ये आपकी 30 है, तो 30 माइनस 10 20 मीन्स 30 प्लस 20, ये हो गया आपका 50 और 100 माइनस 50 50, तो ये आपकी डिस्टेंस होगी 50 और एंगल आपका हो गया 180, क्योंकि ये लेफ्ट की डायरेक्शन, ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट चल रही है हमारी लाइन। तो शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 50 लेस देन एंगल है आपका 180 डिग्री, एंटर। अब देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 100 और एंगल रहेगा आपका 270, क्योंकि नीचे की ओरिजिन पॉइंट से नीचे आ रहा है 270, ध्यान से देखिए ओरिजिन पॉइंट से हमारा नीचे लाइन आ रही है, मीन्स 270 आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, और शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 100 और लेस देन एंगल है आपका 270, एंटर। एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 30 और लेस देन एंगल है आपका 180, एंटर। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस 100 है और ये 20, 100 माइनस 20 80, तो डिस्टेंस आपकी 80 हो गई और एंगल आपका क्या हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट आपका ये है, ओरिजिन पॉइंट से ऊपर जा रही है हमारी लाइन, तो मीन्स एंगल आपका हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, और डिस्टेंस है आपकी 80। शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है 80 लेस देन एंगल है 90 डिग्री, एंटर।
फिर हम करते हैं कैलकुलेट यहाँ पे इसको। अब देखिए ओरिजिन पॉइंट से राइट में चल रहा है तो एंगल आपका 0 हो गया, डिस्टेंस ऑफ टेन गिवन है, तो मैं शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 10 लेस देन एंगल है आपका 0 डिग्री, एंटर। फिर शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी, अब डायग्राम ड्राइंग में देखते हैं हमारी डिस्टेंस कितनी गिवन है, 20 और एंगल आपका 90 डिग्री, तो डिस्टेंस है आपका 20 लेस देन एंगल है आपका 90 डिग्री, एंटर। फिर मैं शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपका 30 लेस देन एंगल है आपका 0 डिग्री, एंटर। सॉरी, अब लेफ्ट में चल रहे हैं तो 180 डिग्री एंगल रहेगा आपका, ठीक है, गलती हो गई थी, स्टेप पीछे, यू एंटर करेंगे, शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 30 एंड लेस देन एंगल है आपका 180 डिग्री, एंटर। अब 120 डिस्टेंस दी हुई है, एंगल आपका डाउनवर्ड में जा रहा है, मीन्स ऑरिजिन से नीचे 270, तो शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस है आपकी 120 लेस देन एंगल है आपका 270, एंटर एंड एस्केप। तो दोस्तों ये ड्राइंग्स क्लियर हो गई आपको, क्लियर है इंजीनियर्स, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा दोस्तों, अगर आपको ऑटो कैड के इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो उसके लिए हमारे दिए गए लिंक कैड मास्टर प्लस सी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर क्लिक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।